हर हर महादेव गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोहित माखीजा। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि क्या ईशा रुद्राक्ष दीक्षा आपको मिल गई। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं या चैनल पे कुछ और वीडियोज़ है वो ट्राई कर सकते हैं या ये भी देख सकते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिनकी रुद्राक्ष दीक्षा नहीं आई ये उनके लिए वीडियो है, जैसे मेरी भी नहीं आई। ये किसी को नहीं पता कि वो आ क्यों नहीं रहा, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ वो अटक गया है। मुझे लगा कि ठीक है चलो लॉकडाउन है इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने 2-3 महीने वेट किया। मेरे ख्याल से मार्च या फेब में ऑर्डर कर दिया था मैंने, पर ये नहीं पता वो कब आएगा। वेट। मैंने ईशा को मेल किया, कॉल किया, उन्होंने कहा सबको मिल जाएगा, हम वॉलंटियर्स हैं, हमको भी अभी नहीं मिला, आपको भी मिलने में टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके बाद 2-2.5 महीने का लॉकडाउन आ गया तो फिर और टाइम लग गया, तो मैंने कहा ठीक है। पर अब बहुत सारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे नहीं आए क्या, आपके आ गए। मेरे को भी लगा आ जाएगा यार, वेट कर लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब बहुत हाई टाइम आ गया था। तो मैंने भी उन्हें कॉल किया, कुछ नहीं लगता, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई कॉल नहीं उठाता। मैंने कोयम्बटूर TPC भी किया, वो कोई रिप्लाई नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक है अब हाई टाइम आ चुका है कि अब मुझे इनके स्टोर्स या जो भी आपके लोकल सिटी में TPC है वहाँ जाके आपको पता करना पड़ेगा। तो मैंने भी अपनी सिटी में जाके पता किया, तो 2 हैं। तो मैंने पहले वाले का पता किया तो उसने मना कर दिया, दूसरे वाले के यहाँ पता किया तो मैंने वहाँ जाके बोला कि मेरे पास कंसाइनमेंट नंबर नहीं आया, मेरा खो गया, डिलीट हो गया, आप मेरे नाम से इसको सर्च करिए। अगर देखो आप उनको डायरेक्ट जाके बोलोगे कि कंसाइनमेंट नंबर आया ही नहीं तो वो आपको मना कर देंगे। या तो मैंने कहा चलो ठीक होगा, थोड़ा स्मार्ट बनते हैं, मैंने कहा डिलीट कर दिया या डिलीट हो गया मुझसे मैसेज XYZ जो भी था, मैंने उनको बोल दिया। उन्होंने कहा हम सर्च नहीं करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको सर्च करने का, ना हम सर्च करेंगे ना हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकते, आप कंसाइनमेंट नंबर लाओ। जब भी ईशा से पिक होगा वहाँ से एक कंसाइनमेंट नंबर आपको मिलेगा, CJB करके ऐसा कुछ कंसाइनमेंट नंबर है, वो आपको मिलेगा। वो कंसाइनमेंट नंबर जिस दिन आपको मिल गया इसका मतलब वो जल्दी आएगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कंसाइनमेंट नंबर मिलने के बाद भी वो 1-2 मंथ से आ ही नहीं रहा, मतलब वो वहीं पेंडिंग अटका हुआ दिखा रहा है, होल्ड पे दिखा रहा है। तो ये भी कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा यार चलो उनके स्टोर्स पे चल के ही ये सब बातें क्लियर कर लेते हैं। तो मैं वहाँ गया, मैंने उनसे कहा कि मेरे को कंसाइनमेंट नंबर मिला पर वो डिलीट हो गया, अब क्या करें। उन्होंने कहा कंसाइनमेंट नंबर डिलीट हो गया, जो भी हो गया हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा हो क्यों रहा है, सपोज़ किसी का कंसाइनमेंट नंबर नहीं है, नाम से भी आप सर्च नहीं कर रहे, कंसाइनमेंट नंबर हमें मिल नहीं रहा, तो अब हमें कैसे मिलेगा। देखो उन्होंने कहा आपको एक सिंपल, बहुत लड़ाई करने के बाद थोड़ा हम पोलाइटली बात करने लगे वो TPC वाले और हम, तब उन्होंने मुझे समझाया कि देखो हम हैं फ्रेंचाइजी स्टोर, जो TPC की कंपनी है जो बड़ी है उन्होंने कहा कि होल्ड पे डाल दो, हम ईशा के जो रुद्राक्ष हैं वो डिलीवर नहीं करेंगे। तो फिर मैंने कहा ये तो गलत है हमारे साथ। तो उसने कहा जो भी है अब यही है कि हम डिलीवरी नहीं करेंगे, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हमें मना कर दिया गया, जिनके भी हैं पढ़े रहने दो। तो मैंने कहा फिर ये जो पढ़े हैं ये कैसे जाएंगे, कि ये एक ही तरीका है, अगर किसी के पास कंसाइनमेंट नंबर आया है तो वो कंसाइनमेंट नंबर लेके उनके स्टोर पे जाता है TPC वालों कोरियर वालों के, और वो कंसाइनमेंट नंबर से वो उनको देता है तो वो उनको निकाल के उसको दे देंगे, पर उसमें भी सर्च आपको ही करना पड़ेगा। आप मानोगे नहीं, 5 फिट का एक मतलब थैला था बहुत बड़ा, जिसके अंदर 100 पैकेजेस थे जो दीक्षा के ऐसे ही रख रखे हैं, कोई केयर नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, कोई फोल्ड है, कोई ऐसे बस उन्होंने फेंक रखा है, कुछ नहीं कर सकते। यार देखो इनकी भी कोई गलती नहीं, ये कब तक उसको संभालेंगे, जब कंपनी ने ही बोल दिया कि होल्ड पे डाल दो तो कब तक उस पैकेजेस को संभालेंगे। यहाँ पर गलती सिर्फ TPC की नहीं, यहाँ गलती ईशा की भी है। ईशा को एक वहाँ पर एक बंदा बिठाना चाहिए था कि पार्सल पहुँच भी रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे सपोज़ इन्होंने पार्सल डिलीवर करना बंद कर दिया, ठीक है, तो ईशा को पूछना चाहिए कि ये रिटर्न आ क्यों रहे हैं, कुछ रीज़न तो होगा, क्योंकि यार अगर कोरियर कंपनी होती है तो दोनों एंड से कुछ पूछेगी तो सही, जिसने डिलीवर किया, जिसने सेंड किया है वो ईशा को पूछना चाहिए। अब वहाँ कोई बंदा ही नहीं, ठीक है चलो ईशा की गलती है यहाँ पर, और यहाँ TPC की भी गलती है कि अगर आपको ये काम नहीं लेना था तो आपने लिया क्यों, अब आप होल्ड पे डाल रहे हो, मतलब आप किसी की भी दीक्षा किसी तक पहुँचेगी ही नहीं। मतलब ये इतना गुस्से वाला और फ्रस्ट्रेटिंग है, इनको पता ही नहीं है कि क्या मतलब एक स्पिरिचुअल टच है कि कैसे किसी की चीज़ उसको मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। तो मैंने कहा कि अब क्या हम, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, आप कंसाइनमेंट नंबर जिस दिन लाओगे उस दिन हम आपको पैकेज दे देंगे। सपोज़ उस बीच उन्होंने वो रिटर्न डाल दिया तो आपका पैकेज गया, मतलब वो आपके यहाँ से गया, ईशा उसको दोबारा नहीं भेजने वाला। तो ये पूरा एक यूँ कह सकते हैं कीचड़ हो गया है, रायता फैल चुका है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दूंगा, प्लीज़ आप वो ज़रूर करना। देखो ये फ्रस्ट्रेटिंग है, गुस्सा आपको आ रहा होगा मुझे पता है। तो अब बात ये है कि आपको करना ये है, अगर आपके पास कंसाइनमेंट नंबर है
आपके मोबाइल में वो आ चुका है, तो बिना देरी करे आज ही अभी ये वीडियो देखने के जस्ट बाद आप अपने टीपीसी कोरियर पे जाएं, आप गूगल पे लिखें कि टीपीसी, आप जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी का, जैसे मैं टीपीसी कोटा रहता हूँ तो टीपीसी स्पेस कोटा लिख गया तो वो बता देगा कहाँ पर, और उनके वहाँ जाएं और उनको एक कंसाइनमेंट नंबर दे, ठीक है। अगर वो मना करते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है, उनसे एक रिक्वेस्ट करना कि कंसाइनमेंट नंबर के पार्सल कहाँ है, हम खुद सर्च कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो नहीं देते वैसे कंसाइनमेंट नंबर के बाद, वो आपको दे देंगे तब आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन आप कंसाइनमेंट नंबर लेके बैठकर डिलीवरी का वेट मत करो, क्योंकि डिलीवरी नहीं होने वाली, किसी की भी डिलीवरी नहीं होने वाली, ये टीपीसी कंपनी ने मना ही कर दिया। ये इशू ईशा पता नहीं कब सॉल्व करेंगे आपस में, हमें नहीं पता, लेकिन उस बीच अगर आपका वापस चला गया तो आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर आपके पास कंसाइनमेंट नंबर आ गया है तो अभी के अभी उसको लेके आ जाएं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आपके पास कंसाइनमेंट नंबर आ चुका था, डिलीट हो गया, या आपके पास नहीं भी आया, तो आप एक काम करें, आप ये स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 83,000 82,000, इस पे कॉल करें और ईशा के जो वॉलंटियर आपसे बात करेंगे उनको बोलें कि हमारा जो कंसाइनमेंट नंबर है वो खो गया है, तो वो आपसे आपका नाम, पिन कोड और मोबाइल नंबर तीनों लेंगे जिससे आपने रजिस्टर करा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिससे आपने ईशा दीक्षा के लिए रजिस्टर करा, वो वाला मोबाइल नंबर, आपका एरिया का पिन कोड और आपका नाम उनको दे दें। वो वॉलंटियर 2 या 3 दिन में आपको कंसाइनमेंट नंबर भेजेंगे अगर वो पार्सल वहाँ से निकल चुका है तो। यानी कि अभी भी कुछ पार्सल या बहुत पार्सल ऐसे हैं जो अभी भी ईशा सेंटर पर ही पड़े हैं, बहुत सारे टीपीसी के पास पड़े हैं, कुछ ही पार्सल डिलीवर हुए हैं। तो मुझे नहीं पता यहाँ किसकी गलती है, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है यहाँ टीपीसी की सबसे बड़ी गलती है और ईशा की भी बहुत बड़ी गलती है। पता नहीं ये कैसे डिलीवर होगा, कैसे मैटर सॉल्व होगा, मुझे नहीं पता। मैं बस आपकी इसीलिए हेल्प करने आया था क्योंकि आपको अगर कंसाइनमेंट नंबर मिल चुका है तो प्लीज़ आप जाके ले लें खुद, वेट नहीं करें डिलीवरी का। कंसाइनमेंट नंबर नहीं मिला है तो जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई उनको कॉल करके वो कंसाइनमेंट नंबर वैसे ले लें, और उसके बाद अगर कंसाइनमेंट नंबर नहीं मिलता आपको ईशा की तरफ से, इसका मतलब आपका पार्सल ईशा की तरफ से भेजा ही नहीं गया है अभी। अब ये कब सॉल्व होगा किसी को नहीं पता, ईशा ही इसका जवाब दे सकता है। आप इस नंबर पे कॉल करें, नहीं एक बार बात होती तो 4-5 बार 10 बार करें और बात कर लें। अगर बाय चांस आपको फिर भी दीक्षा नहीं मिलती, रुद्राक्ष दीक्षा नहीं मिलती, तो ये बहुत सैड है मैं समझता हूँ, लेकिन आप वेट नहीं करें। अगर आपको रुद्राक्ष मिलना है तो आप परचेज कर लें। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है तो भी आप टीपीसी आपके सिटी की लोकल में जाएं और वहाँ पोलाइटली बात करें और उनसे बोलें कि हमारा पार्सल प्लीज़ हमें दे दीजिए, तो उनके पास वो भरा हुआ पड़ा होगा, तो आपके मैं अपने अल्फ़ाबेट से जो भी उन्होंने सजा रखा है एरिया वाइज तो मैं सर्च कर लूँगा। ये थोड़ी आप रिक्वेस्ट कर दें, क्या पता वो आपकी हेल्प कर दें। वैसे आप कंसाइनमेंट नंबर लेके जाएंगे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है बहस करके, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं टीपीसी वाले, जो इधर वाले भी हैं हमारे वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो नहीं हेल्प कर पाएंगे। वैसे मुझे कल बहुत गुस्सा आ रहा था, मन तो ये हो रहा था कि मैं लाइव आके सब आपको बोल दूँ, पर मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाएगी एक्चुअल प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। हम वेट कर रहे हैं लेकिन वेट करना ही बेकार है, क्योंकि कंसाइनमेंट नंबर ही नहीं है और वो पार्सल डिलीवरी भी नहीं दे रहे हैं, अगर किसी का कंसाइनमेंट है भी तो। बस यही था वीडियो, अगर आपको, वैसे आज मैं आपको नहीं बोलूँगा लाइक करो शेयर करो, बस मैं ये कहूँगा कि शेयर ज़रूर करो, क्योंकि औरों ने भी जिन्होंने दीक्षा मंगाई उनको ये वीडियो मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो वेट नहीं करें, यहाँ स्पिरिचुअल बात आ गई है, मतलब तो समझ रहे हो ना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, बाय बाय।